मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल शनिवार को लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में आयोजित गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं व जीवन चरित्र के माध्यम से प्रकृति व गौवंश के महत्व एवं गांव की संस्कृति को प्रतिष्ठित किया। उनके जीवन का हर पक्ष प्रेरणादायी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य में हर प्रकार के कष्ट निवारण की क्षमता विद्यमान है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा समाज की भलाई के लिए रखे गए आदर्शों को सामने लाने के लिए सरकार ने गौपूजन एवं गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में गोवर्धन पूजन एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लाल टिपारा गौशाला में लगभग 108 टन गोबर से निर्मित 11 फीट ऊंचे गोवर्धन पर्वत और इस पर्वत पर गोबर से ही निर्मित लगभग 8 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की और गोवर्धन पर्वत की आरती उतारी। उन्होंने गोवर्धन पूजा के माध्यम से ग्वालियर सहित प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर गौमाता का पूजन किया और सहलाकर हरी घास खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। एक ओर गोबर से निर्मित विशाल गोवर्धन पर्वत, दूसरी ओर सजीदजी गौमाताएं और कतारबद्ध खड़े ग्वालग्वाले देखकर लाल टिपारा परिसर में ऐसा आभास हो रहा था कि मानो यहां ब्रजधाम उतर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर मंचासीन संतजनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री लखन पटेल, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा, कृष्णायन गौशाला एवं लाल टिपारा गौशाला के संत श्री अच्युतानंद जी महाराज व श्री ऋषभदेवानंद जी महाराज सहित अन्य संतजन, विधायक श्री प्रीतम लोधी, नगर निगम सभापति श्री मनोज सिंह तोमर, श्री आशीष अग्रवाल, श्री अभय चौधरी व श्री कौशल शर्मा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव, पूर्व विधायक श्री मुन्नालाल गोयल व श्री जयसिंह कुशवाहा व श्री दीपक शर्मा सहित जनप्रतिनिधि मंचासीन थे। लाल टिपारा गौशाला पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला की सराहना करते हुए कहा कि यह गौशाला प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आदर्श स्थापित कर रही है। उन्होंने इस गौशाला को आदर्श बनाने में श्री कृष्णायन गौशाला के संतों द्वारा दिए गए योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही कहा कि लाल टिपारा गौशाला में IOCL द्वारा लगाए गए CBG गैस प्लांट से अब गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी। यहां गोबर से निर्मित होने वाली गैस से जहां एक ओर नगर निगम के वाहनम संचालित होंगे, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने संत श्री अच्युतानंद जी को भरोसा दिलाया कि गौशाला के विस्तार के लिए आपने जो सुझाव रखे हैं उन पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसके लिए अच्युतानंद जी को भोपाल आने का न्योता भी दिया है। भारतीय नस्ल की गाय ने ब्राजील में किया क्रांतिकारी बदला। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इस ध्रुव सत्य को स्वीकार किया गया है कि गौ माता के दूध में सबसे शुद्ध पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध से कुपोषण की समस्या का भी समाधान संभव है। उन्होंने गौवंश की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुजरात की गिरी नस्ल की गाय ने ब्राजील देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गाय धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी करोड़ों भारतीयों के लिए पूजनीय है। आज पंचगव्य सहित अनेक उत्पाद आमजन द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। आयुर्वेद में गौवंश के पंचगव्य जिसमें दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का उल्लेख मिलता है, जो बीमारियों की रोकथाम के साथ हमारे जीवन में विशेष उपयोगी हैं। हर संभाग में खोली जाएंगी बड़ी बड़ी गौशालाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गौपालन व संरक्षण को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों व प्रदेश के संभागों में बड़ी बड़ी गौशालाएं प्रारंभ की जाएगी। शहरों की गौशालाओं में 10,000 तक गौवंश रखने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि गाय का कुनबा बढ़े इसके लिए जो लोग 10 से अधिक गायों का पालन करेंगे उन्हें सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार पर निर्भर न रहकर हम सब भी लें गौ संरक्षण की जिम्मेदारी, मंत्री श्री कुशवाहा। उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि निराश्रित रूप से घूमने वाली गौमाताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही हम सबकी भी है, इसलिए गौ संरक्षण में हम सबको भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
हम सब गौ संरक्षण के लिए आगे आएंगे, तभी सरकार के प्रयास भी फलीभूत होंगे। लाल टिपारा गौशाला से नगर निगम को भी फायदा होगा। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि लाल टिपारा गौशाला में बड़े पैमाने पर गौ संरक्षण के साथ साथ अब ग्वालियर नगर निगम को भी फायदा होगा। यहां पर बनने वाली सीएनजी गैस से नगर निगम के वाहन चलेंगे। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाने के लिए सभी शहरवासी समर्पित भाव से सहयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में ग्वालियर को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग मिलेगा। ग्वालियर की गौशाला से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। सांसद श्री कुशवाह। सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि ग्वालियर की आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर गौसेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। लाल टिपारा गौशाला के सीएनजी प्लांट का लाभ ग्वालियर शहर को मिलेगा, साथ ही यहां उत्पादित जैविक खाद से जिले में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे गौशाला की आमदनी बढ़ेगी और वह आत्मनिर्भर गौशाला बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प है कि विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार यह काम बखूबी ढंग से कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में शनिवार 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा के साथ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। मथुरा वृंदावन से आए समूह ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर संगीतमय नृत्य प्रस्तुत किया। इंडियन आइडल फेम सुश्री शिनी कलवेंट द्वारा प्रस्तुत गोवर्धन आरती से सबको मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के बैंड की मनमोहक प्रस्तुति हुई। साथ ही राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने भी शास्त्रीय संगीत व नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चित्रकला एवं मलखंब व सितौलिया जैसे पारंपरिक खेलों पर केंद्रित प्रतियोगिताएं भी हुई। गौसेवकों का हुआ सम्मान। लाल टिपारा गौशाला में गोवर्धन पूजा एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा गौसेवकों एवं अन्य सेवाभावी नागरिकों को मंच से सम्मानित किया गया। पिछले कई वर्षों से गौमाता की सेवा जुटे गौसेवक श्री आनंद तिवारी को गौसेवक सम्मान प्रदान किया गया। गाय के गोबर से कई वस्तुओं को बनाने वाली सुश्री ममता कुशवाह को गोबर शिल्पकार सम्मान दिया गया। साथ ही जैविक खेती के लिए श्री विवेक गोवर्धन की मूर्ति बनाने वाले श्री दिलीप गोयल, भागवत कथा वाचक श्री जितेंद्र तथा डॉक्टर अंकित, डॉक्टर राघवेंद्र सहित गौसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। गौ उत्पादों की प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सराहा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर गौमाता के दुग्ध व गोबर सहित अन्य पंचगव्य से निर्मित प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों द्वारा भी गोबर से निर्मित अनेक सजावटी सामान बिक्री के लिए रखे गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एवं अन्य अतिथियों ने सभी स्टॉल पर जाकर उत्पाद देखे एवं इस प्रदर्शनी की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण की आराधना और अर्चना ने प्रस्तुत गीतों के माध्यम से हमें भाव विभोर कर दिया। हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। गौ सम्मान के लिए इसके बाद में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आनंद तिवारी। 2004 से इस गौशाला से संबद्ध है श्री आनंद तिवारी। श्री आनंद तिवारी गौ सेवक सम्मान 2004 से इस गौशाला से संबद्ध है। इसके बाद श्रीमती ममता कुशवाह गोबर शिल्पी सम्मान 5,00,000 पेड़ों को कटने से उन्होंने बचाया है श्रीमती ममता कुशवाह। इसके बाद जैविक कृषक सम्मान श्री विवेक जी। विवेक जी पिछले 8 वर्ष से संलग्न है। विवेक जी के बाद श्री दिलीप। विवेक जी जिन्हें जैविक कृषक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें जैविक कृषक सम्मान प्रदान कर रहे हैं। गोवर्धन की मूर्ति की रचना जिन्होंने की है श्री दिलीप गोयल। मैं कुंभकी नगरी से आता हूं, उज्जैन से। हमारे यहां माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधन था, गोमाता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहां गए रत्न उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गोमाता के माध्यम से
पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे पाश्चात्य कोई भी देश एक ध्रुव सत्य है, वहां हो या यहां हो, सबदुर बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गोमाता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कामन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराय नहीं। गोमाता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हस्टन, कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर वन का स्थान रखता है, ब्राजील की अगर गोमाता के वंश की बात करें तो अपने ही स्टेट काल में यहां के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गए और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहा। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते हैं कि नंद बाबा अपने 1 लाख गाय के वंश सहित उस समय तक यहां आकर के वर्षा काल में यहां रहते, वो बाद में वो उतर ले जाते, इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है, हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार नहीं, जो कहे जो कहने दो, लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पर नहीं चले तो क्या धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं चाहता गुजारवा है, तुम अपने मन में जो सोचना सोचो। अब मैं पार्टी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा, महाराज जी के मेरे को आश्रम को तो बख्शो, गौशाला को बख्शो, महाराज करे क्या? ये आप बताओ, संसार में गौ माता के लिए हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहां तो आप संकल्प भी कराते हो तो आप कहते हो गौ ब्राह्मण हिताय, दलित हिताय, कृष्णाय, गोविंदाय, आप काहे के लिए बोलते हैं? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने, इसमें क्या परेशानी भाई? गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती है, अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध लाना चालू कर दो, अपने आप में उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात? और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवस्था हो सकती है? गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा, जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है या किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो यह होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है, हमारी बूढ़ी अपाई लावारिस इस प्रकार की गौमाता होती है या गोवंश होता है जिसको संभालने की दिक्कत, तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है, हर गौशाला में नगर निगम के आधार पर 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है, चाहे अपनी ग्वालियर हो, यहाँ तो 9 हजार से ऊपर गौमाता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका है, नगर निकाय और एक विधानसभा में एक तो गौशाला है जिनके माध्यम से सभी गौ माताओं की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा, ये हमने निर्णय किया है। और इस सभी प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाए जोरदार तरीके से, जिन्होंने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, इतने प्रकार के आइटम बन रहे हैं और
बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब फेल हो जाती, लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्थ, पंचगव्य, एक एक चीज जीवन में अमृत के समान। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत, सीएमजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपने नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात दी गई, महाराज याद है मेरे को चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ दोस्तों, समझ के खड़ा हूँ, जितना मेरे को बोलना है मैं जरूर बोलूंगा।